नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसा के बारे में आखिर क्या मानना है लोगों का, जानते हैं लोगों से क्या राय है उनकी डेरा लोगों के बारे में, और डेरा की जो सेफ्टी है वो आखिर किस लेवल की है, जानते हैं लोगों से। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है मैम? रजनी। इंसा मैम डेरे से जुड़े हो? हाँ जी। कब से जुड़े हो? 18 साल से जुड़ रहे हैं मैम। 18 सालों से आप डेरा से जुड़े हो, कैसा माहौल देखा आखिर गुरुजी के यहाँ पे आपने? यहाँ के ही हमने इतना अच्छा माहौल देखा कि यहाँ के ही हमने जीना भी यहाँ से क्या। बाहर तो जाते थे जैसे वहाँ पे डर रहता था कि बाहर के लोग गंदी नज़र से देखते हैं, और यहाँ के अपने भाई बहन एक दूसरे की तरफ लखाते भी नहीं, और लखाते तो इतने प्यार से कि हाथ जोड़ के नारा लगाते हैं, जैसे हमारे में धन धन सतगुरु तेरा आसरा लगाते हैं, और बहनें अलग भाई अलग, बहुत प्यार का बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। मैम आप कहते हो कि गुरुजी के यहाँ इतना अच्छा माहौल है, मगर आरोप जो लगाए गए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो बिल्कुल ही गलत हैं। एक संत इतने बड़े जो इतने अच्छा काम कर रहे हैं और उन पे इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, वे तो बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि वो देश के लिए जो इतनी मानवता भलाई के कार्य चला रखे हैं जी, जी। और फिर इतने बड़े काम जो चला रखे, खूनदान है जैसे, और भी मानवता भलाई के जो काम है इतने चला रखे और फिर इतने बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, तो उनसे तो बहुत ही गलत किया है। मैम ये टीवी चैनलों पर इतनी गंदगी क्यों दिखाई आखिर? ये सब झूठ है, ये अपने आप ही बना के दिखा देते हैं। हमने कभी 18 साल में एक पल भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई गंदी चीज़ें यहाँ देखी हो, अच्छी चीज़ें ही देखी है। हमारे बच्चों ने भी अच्छी सीखा, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे अच्छे संस्कार मिले हैं यहाँ से। मैम आप एक महिला हैं, आप डेरा सच्चा सौदा जाते हो, सुरक्षित हो आप लोग? हाँ जी बिल्कुल 100% सुरक्षित है, कोई किसी तरीके का डर वाला माहौल नहीं, कोई डर। मैम आपने ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की एक वर्दी पहनी है, कैसी हाँ फोर्स है आपके लिए ये? बिल्कुल एक कहीं भी आपदा आए, कहीं भी बाढ़ आए, भूकंप आए, कहीं भी ऐसी हो, तो सबसे पहले हमारे ग्रीनेस वाले सबसे पहले जाके उनकी सेवा में लग जाते हैं। मैम फिर आप लोगों के बारे में इतनी गंदगी क्यों दिखाई गई आखिर चैनलों पर? ये तो अपने चैनलों पे तो ऐसा है, अपने आप ये कुछ भी बातें बना सकते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पे कभी गंदगी देखी ही नहीं जी। मैम आप कहते हो कि आप लोग मानवता भलाई के कार्य करते हो इतने ज़्यादा, वैश्यावृत्ति में जो लिप्त लड़कियाँ हैं उनको गुरुजी ने मुख्य धारा से किस तरीके से जोड़ा रखा? वहाँ से लेके आए गुरुजी, यहाँ लेके अपनी बेटी बना के उनको रखा, उनकी पढ़ाई करवाई, शादी करवाई उनकी, और अच्छे संस्कार दिए उन्होंने, बिल्कुल अच्छा माहौल मिला उनको यहाँ। अब समाज को आज गुरुजी की जरूरत है? बहुत जरूरत है आज समाज को, आप लोगों को जरूरत, हमें तो बहुत ज्यादा जरूरत। मैम समाज को क्यों जरूरत है आखिर? समाज को भी जरूरत है, जो इतने अच्छे काम सिखाता है और फिर उस पर इतने बड़े इल्जाम लगाते हैं, ये गलत है, लेकिन समाज को चाहिए कि अच्छे संस्कार अपने बच्चों को भी देने चाहिए, जैसे हमें मिले, हमारे बच्चों को मिले, ऐसे सब पूरे समाज को मिले, और ये गंदी जो बातें चल रही हैं इन सब को छोड़ के एक अच्छे प्यार माहौल का, प्यार की बातें चले, प्यार का माहौल सब में, भाई बहन कोई भी हो सब में एक प्यार का माहौल हो, अच्छा माहौल बने सबका। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से यही अपील करेंगे हम कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिहा करके हमारे बीच में लेके आए और समाज का उद्धार करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसे कि आपने देखा ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की ड्रेस पहनी है, ये एक मेंबर हैं, ये इस बात का बयान देती हैं कि हम मानवता भलाई के कार्य करते थे, मीडिया चैनलों के जो हमारा चौथा स्तंभ संदेशवाहक का कार्य करता है उसे शर्म आनी चाहिए कि आखिर एक समाज सेवी संस्था और एक फोर्स जिसका गठन गुरुजी ने निःशुल्क कार्य करने के लिए बनाया है उसके बारे में इतना गंद बकना, क्या ये एक तरीके का देशद्रोह का कार्य नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। हमारे देश का जो आधा पतन है क्या वो मीडिया के कारण ही नहीं हो रहा? आपकी जैसी भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।